गाइस, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, यहां पर मुझे अपना इंग्लिश टेस्ट देना है। मैंने जैसे ही इसमें अप्लाई किया, मुझे यहां पर टेस्ट देना है। मैं अभी वो सब आपको बताऊंगी। यहां पर आप देख सकते हैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है, और वो कैसे देना है आपको इस वीडियो में मिलेगा, ताकि आप सही से यहाँ पर अप्लाई कर पाएँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेजॉरिटी ऑफ पीपल हु हैव गिवन द टेस्ट इंग्लिश टेस्ट आर नाउ वर्किंग इन आर वन ऑफ आर प्रोजेक्ट्स, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप यहाँ पर टेस्ट दोगे और आप यहाँ पर काम करोगे। बहुत ही सिंपल स्टेप से, जैसे कि देख रहे हो, एक कि आपको पहले साइनअप करना है, उसके बाद वैलिडेट योर रिज्यूमे डिटेल्स करना है, उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना है, और फिर वेरीफाई पैन करना है। और यहाँ पर 2000 प्लस वैकेंसीज है, टोटली वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर इन्होंने अर्निंग मीटर बताया कि अगर आप यहाँ पर 4 आवर्स का वर्क करते हो, $12 पर आवर का पे किया जाएगा, जो महीने का 76,800 होता है। लिटरली ये इनकी खुद की जो इनकी वेबसाइट है, इन्होंने वहीं ही मेंशन किया है ये, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, राइट। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि अगर हम यहाँ पर $13 कर लेते हैं, या पे रेट अगर हम इसे $10 भी रखते हैं, ठीक है, तब भी आप 4 आवर्स में देख लीजिए 64,000 रुपीज़ कमा लेते हैं। जैसे कि अगर आप हाउस वाइफ है, आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो 2 आवर्स अ डे भी आप 32,000 रुपये पर मंथ कमा लेंगे इस पर्टिकुलर काम को करने के बाद। अब मैं आपको टोटल प्रोसेस बताने वाली हूँ कि आपको कैसे यहाँ पर एक एक चीज कैसे यहाँ पर रजिस्टर करनी है, कैसे आपको टेस्ट क्लियर करना है, ताकि आप यहाँ पर सेलेक्ट हो जाओ। लेकिन आपसे एक यही अनुरोध है कि वीडियो को आपको सही तरीके से देखना है, ताकि आप यहाँ पर सेलेक्ट हो। इवन यही नहीं, बहुत सारी अपडेट्स अभी आगे भी बताऊंगी, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू बी सेल्फ डिपेंडेंट। मैं हूं आपकी करियर कोच दीक्षा शर्मा। एक अमेजिंग वर्क फ्रॉम होम जॉब अपडेट आपके पास लेकर आई हूं। आप सभी जानते हैं आजकल है एआई का ज़माना, और एआई की जॉब्स बहुत ज़्यादा है, और ये हाई पेइंग जो जॉब मैं आपके पास लेकर आई हूं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इसे ग्रैब ज़रूर कर लेना। 2000 प्लस वैकेंसीज है, आप किसी को भी छोड़नी नहीं चाहिए। आप ही के सामने मैं अपना अकाउंट कन्वर्ट करके दिखाने वाली हूं, और कैसे आपको टेस्ट देना है, कैसे आपको काम करना है, एक एक चीज़ आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। लेकिन आपसे बस एक ही चीज़ चाहती हूँ, वीडियो को शुरू लेकर एंड देखना, दैट्स इट। अगर मैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात करूँ, तो अगर आप 12th पास है, 18 प्लस है, या फिर अगर आप हाउसवाइफ है, रिटायर्ड प्रोफेशनल है, आपके एज में मतलब काफ़ी ज़्यादा, या फिर आपके करियर में गैप आ चुका है, तो भी कोई इशू नहीं है। यहाँ पर हर किसी के लिए जॉब है। ऑलरेडी वर्किंग स्टूडेंट्स, फ्रेशर, एक्सपीरियंस, एवरीबडी इज़ एलिजिबल हियर। सबसे अच्छी बात यही है इस जॉब की कि इसे हर कोई कर सकता है। ओके, यहाँ पर आपको लैपटॉप की भी ज़रूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल फ़ोन से पूरा प्रोसेस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। मैंने इनिशियल जो स्टार्टिंग की थी वो फ़ोन से ही की थी। आप ही के सामने यहाँ पर स्क्रीन व्यू में मैं आपको टेस्ट गाइडलाइंस भी प्रोवाइड करूँगी, सो दैट यू विल बी गेटिंग सेलेक्टेड फॉर श्योर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, एक फॉर्म रोल आउट किया है, आप देख सकते हैं मैंने एक फॉर्म डिस्क्रिप्शन में पोस्ट किया है। उसको क्लिक जैसे ही करेंगे, आपको वहाँ पर अपनी डिटेल्स पुट करनी है, और वहाँ पर ये बताना है कि आप किन चीज़ों से इशू फेस करते हो। जैसे कई लोग इंटरव्यू में सही से नहीं बोल पाते हैं, या फिर किसी को रिज्यूमे बनाना नहीं आता है, या फिर आप लाइक बहुत जगह इंटरव्यू देते हो लेकिन आपको कोई रिवर्ट नहीं आता है, बहुत जगह अप्लाई करते हो रिवर्ट नहीं आता है, तो अपने इशूज़ बताओ, सो दैट वी विल बी प्रोवाइडिंग यू काउंसलिंग कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, माइट बी पॉसिबल कि आपके कोई रिज्यूमे में एरर हो, तो हम आपसे आपका रिज्यूमे मंगवाएंगे, कि फिर हम आपको बताएंगे कि आपको क्या चीज़ें यहाँ पर ठीक करनी है। अगर हमें लगेगा कि कुछ और रिकमेंडेड है, तो हम आपको कुछ और बताएंगे, तो वो फॉर्म ज़रूर भरना, क्योंकि वो आपके बहुत काम आने वाला है। देखिए क्या होता है कि हमारे पास सारी चीज़ें मौजूद होती है, लेकिन उसको सही तरीके से कैसे करें वो नहीं पता होता है, तो इसीलिए उस फॉर्म को ज़रूर भरना, सो दैट यू विल बी गेटिंग अ फीडबैक फॉर इट। ओके गाइस, अब आप जैसे ही लिंक को क्लिक करेंगे अप्लाई जॉब वाला, आपको जैसे इंटरफेस में आएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे एआई डाटा एंट्री का आपका यहाँ पर काम होने वाला है। ओके, डाटा एंट्री का काम है प्रॉपर। जॉब नेम आप देख सकते हैं, जॉब नेम एआई डाटा एंट्री। एलिजिबिलिटी है आपकी 18 प्लस। एनी क्वालिफिकेशन, हिंदी और इंग्लिश आपको आना चाहिए, और इंग्लिश ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जॉब रोल है आपका डाटा एंट्री, यू नीड टू ट्रेन दी एआई। ठीक है, सैलरी नो लिमिट है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। ओके, लेकिन गाइस उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, जो है कि आपको जॉब मिलना, राइट। आप बहुत बार अप्लाई करते हो लेकिन आपको कोई रिवर्ट नहीं आता है, तो इसलिए हमने इन्हीं सब चीजों के लिए, इवन जो 12th पास होते हैं, या फिर जिनके करियर में गैप आ जाता है, तो उनके लिए एक बेस्ट हमने कोर्स बनाया है, जिसके बाद आपको 3 जॉब्स पर डे आपको अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी, जिसमें आप अप्लाई करेंगे, और ये लाइफ टाइम के लिए। यानी कि 3 जॉब्स पर डे का मतलब होता है एक मंथ में 90 जॉब्स। लिटरली आप इतना ज्यादा यहां पर आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, आप खुद सोचिए कि आपकी जॉब नहीं लगेगी क्या। तो ये देखिए, मैं आपको इसके बारे में बताती
बताती हूँ। ड्रीम जॉब इन 10 डेज को आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको जैसे इंटरफेस में आएंगे यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिल रहा है, मतलब मेन चीज़ें बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ों की बात कर रही हूँ। सबसे पहली बात, ये 20 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, 20 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, बहुत ही सारे बच्चों ने, बहुत ही सारे कैंडिडेट्स ने ऑलरेडी एनरोल कर दिया है। सो डू बुक योर सीट बिकॉज यहाँ पर एनरोलमेंट हम बहुत जल्दी बंद करने वाले हैं बिकॉज हमारा गोल है सबका यहाँ पर सिलेक्शन करवाना। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कोर्स में मेन मेन चीज़ें क्या मिल रही है, करेक्ट वे टू आंसर ऑल इंटरव्यू क्वेश्चंस। हम मतलब भूल जाते हैं, जो भी हमसे सामने से पूछ रहा होता है हम वो भूल जाते हैं, तो हम एक सही तरीका आपको बताने वाले विद ऑल द PDFs अवेलेबल। ओके, उसके बाद आपका ATS फ्रेंडली रिज्यूमे पर्सनलाइज्ड मैं खुद चेक करूंगी, यानी कि मैं आपको लाइव सेशन में सिखाऊंगी, फिर उसके बाद मैं आपकी सारी चीज़ें चेक करूंगी और आपको बताऊंगी आपने ये गलती करी है, इसे ठीक करो, सो दैट आपका सिलेक्शन हो। इसी वजह से हम ये प्रॉपर लाइव रख रहे हैं और आपको पर्सनलाइज सपोर्ट दे रहे हैं। सैम्पल इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स आपको मिलेगा। लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नौकरी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी ताकि आप इन फ्यूचर भी बी सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए। हमारा जो मोटिव है दैट इज़ बी सेल्फ डिपेंडेंट, आप सबको सेल्फ डिपेंडेंट करना कि आपको कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े इस कोर्स के करने के बाद, कि जॉब से रिलेटेड आप मतलब जॉब के एक वो बन जाओगे कि आप किसी भी जॉब को फाइंड आउट कर पाओगे और आपके पास ऑलरेडी इतनी अपॉर्चुनिटीज होगी कि आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ओके, यहाँ पर आप देखिए जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स में प्रॉब्लम होती है, राइट, प्रेजेंटेशन स्किल्स में प्रॉब्लम, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लर्न हाउ टू क्रैक जॉब असेसमेंट्स। अब आपने सुना होगा वर्सन टेस्ट जो होते हैं, एक जो मिश्रण होता है ना वर्सन टेस्ट का, वो आपको इस कोर्स में मिलेगा, एक एक चीज़ आपको लाइव बताई जाएगी। ओके, इंग्लिश बूस्ट कैसे करते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कैसे होता है, प्रोफेशनल ईमेल्स कैसे हमें यहाँ पर टाइप करने होते हैं, ब्रेकिंग नर्वसनेस बहुत होती है हमें, उसको कैसे हम मतलब ख़त्म करें उस चीज़ को, ठीक है। आपका एक तरीके से माइंडसेट चेंज होगा इस पर्टिकुलर कोर्स में, आप खुद से बोलोगे कि अब इसके इस मतलब ये है कि इस कोर्स को करने के बाद आप किसी भी HR से डरोगे नहीं, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 3 जॉब्स पर डे आएगी जिसमें आप अप्लाई करोगे, तो ऑब्वियसली आप क्यों डरोगे, राइट। कि इस कोर्स को हमने इसीलिए ही प्रैक्टिकल बनाया क्योंकि हमारा गोल है आपको सिलेक्ट करवाना। ओके, तो अगर आप इसे एनरोल करना चाहते हैं आप डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करके एनरोल कर सकते हैं। एक बार मैं आपको एनरोल प्रोसेस बता देती हूँ। सो गाइस, आपको यहाँ पर क्लिक करना है एनरोल द कोर्स पर। जैसे ही आप एनरोल द कोर्स करोगे, जैसे ही आप एनरोल पर क्लिक करोगे आपको जैसे इंटरफेस में आओगे ये आपके कार्ट में एडिट हो जाएगा, ठीक है। प्रोसीड टू चेकआउट पर आपको क्लिक करना है, जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर आपको अपना एड्रेस पुट करना होगा, ठीक है। एड्रेस पुट करोगे उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी स्टेट सेलेक्ट करनी होगी, कंट्री सेलेक्ट करनी होगी, जैसे इंडिया किया, स्टेट किया हमने छत्तीसगढ़, ठीक है। जिप कोड अगर डालना है तो डाल दो, फोन नंबर डाल दो, ठीक है। यहाँ पर रेजर पे वाला ऑप्शन चूज करना है UPI पेमेंट्स के लिए, पे पर क्लिक कर देना, सिक्योर पेमेंट होगी आपकी और यहाँ पर आप एनरोल हो जाओगे। आपके पास कंफर्मेशन ईमेल एंड ऑल हर एक चीज आपके पास आ जाएगी। कोई भी इशू होता है यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर या फिर व्हाट्सएप के थ्रू भी आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं अपना कोई भी कंसर्न, हम आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है। बेसिकली गाइज वी आर ऑलमोस्ट फुल, तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी अपनी सीट बुक कर लो सो दैट आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज हमेशा मिलती रहे टिल द लाइफ टाइम, क्योंकि हम यहाँ पर आपकी हेल्प करने के लिए है। ये जो बी सेल्फ डिपेंडेंट है इसका नाम भी यही है कि आप सबको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना। ओके गाइज, सो इफ यू वॉन्ट अ प्रॉपर गाइडेंस टू क्रैक एनी टाइप ऑफ इंटरव्यू सो डू जॉइन दिस कोर्स, लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, सारी चीज़ें चेकआउट कर सकते हैं। गाइज अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जॉब की। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर अप्लाई लिंक आपको मिलेगा, यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको जैसे इंटरफेस में आएंगे, देखिए यहाँ पर सारे बैकग्राउंड्स के लिए यानी कि इंजीनियरिंग, लॉ, मेडिकल साइंस, ह्यूमैनिटीज, क्रिएटिव आर्ट, बिजनेस, हर कोई यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, ठीक है। वी आर ऑल्सो हायरिंग कोडर्स, मतलब ये कोडर्स को भी हायर कर रहे हैं। देन यहाँ पर है आर यूजर टेस्टिमोनियल्स, जितने भी इनके यूजर्स हैं उनका यहाँ पर इंटरफेस है। आर गोल हैज डिलीवर्ड होलिस्टिक वैल्यू इन जेन AI, ओके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करके दिखा दूँ कि आपके पास बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। दैट इज लर्न कटिंग एज स्किल्स ऑफ द फ्यूचर, यानी कि AI, देखिए ये AI ही फ्यूचर है, तो ये आपको सिखाने वाले हैं। फ्लेक्सिबल आवर्स, वर्क फ्रॉम एनीवेयर, घर से बैठकर कहीं पर भी आप काम कर सकते हो अपने ही फ़ोन से, ओके। AI ML एक्सपीरियंस नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि आपके कोई एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी कोई इशू नहीं होने वाला है आपको, ओके। पे स्टार्ट्स एट 1000 रुपीज़ पर आवर, पेड वीकली, यानी कि यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है 1000 रुपीज़ पर आवर से ही, जो कि बहुत ही अच्छा अमाउंट है। $10 इज अराउंड 1000, राइट। तो यहाँ पर आपको इतना अच्छा अमाउंट मिल रहा है जो कि वीकली पेड होता है, यानी कि एक तरीके से पार्ट टाइम आपको पैसा आ ही जा रहा है। उसके बाद स्ट्रेंथन योर कोर डोमेन नॉलेज, मल्टीपल प्रोजेक्ट अपॉर्चुनिटीज़, ये नहीं कि सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट है, इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। अर्निंग कैलकुलेटर मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग में आपका पे रेट 10 है, ये मिनिमम है, ओके। ये बढ़ता रहता है आपके एक्सपीरियंस के थ्रू, ओके। यहाँ पर
और आप देखिए अगर आप 1 घंटे काम करते हैं तो आप यहाँ पर महीने में 16,000 रुपीज़ अर्न कर लेते हो, 2 घंटे काम करते हो तो 32,000 रुपीज़ अर्न कर लेते हो, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही 3 आवर्स होते हैं 48,000 रुपीज़, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड अमाउंट। मतलब आप देखोगे तो इंडिया में बहुत ही कम लोगों की इतनी सैलरी इस स्लैब में पहुँच पाती है। 4 में देखोगे 64,000, 5 आवर्स में इतना, 6 आवर्स करोगे इतना, 8 आवर्स इतना और 8 आवर्स इतना, ओके। तो ये सारी चीज़ें है गाइज, अगर आप ये करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर जॉब अपडेट में काम, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, क्योंकि मैं आपको एंड टू एंड प्रोसेस बताने वाली हूँ। बिकॉज मैं यहाँ पर ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुकी हूँ, मुझे यहाँ पर इंग्लिश का टेस्ट देना है, वो मैं आप ही के सामने गाइडलाइंस प्रोवाइड करूंगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ना गेट स्टार्टेड वाला ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। इसको अब आपको अपने गूगल से रजिस्टर कर लेना है, जैसे कि अपनी ईमेल आईडी पुट करनी है। ईमेल आईडी जैसे ही पुट कर लोगे ना, आपका कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए साइन अप विद गूगल, यही फर्स्ट स्टेप था जो मेरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। मैंने कोई और स्टेप नहीं किया था, बिकॉज मैं अभी पहले आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ। अब यहाँ पर देखिए वैलिडेट योर रिज्यूमे, तो आपको इस सेकंड स्टेप को क्लिक करना है, ओके। तो इस सेकंड स्टेप को क्लिक करके आपको यहाँ पर अपनी चीज़ें सेलेक्ट करनी है, जैसे कि आपने क्या किया है, मतलब आपने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है, यूनिवर्सिटी क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, या फिर आपके कोई यहाँ पर जॉब रोल्स रहे हैं, वो सब आप लिखेंगे और सेव डिटेल्स टू प्रोफाइल कर देना है। अब प्लीज सेलेक्ट आ रहा है, तो इसलिए पहले आप अपनी सारी डिटेल्स यहाँ पर लिख देना, ओके। तो ये मैं आपको बता रही हूँ। और देखिए यहाँ पर ट्यूटोरियल, असेसमेंट, प्रोफाइल, हर एक चीज़ का ऑप्शन है जो कि मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट का, यहाँ पर टेक टेस्ट पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए प्री रिक्वेस्टेड टेस्ट में क्या है, टेक द फॉलोइंग टेस्ट टू एक्सप्रेस योर इंटरेस्ट इन द प्रोजेक्ट। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, द टेस्ट इज टू बी टेकन इन अ फुल स्क्रीन मोड ओनली, एनी अटेम्प्ट मेड टू एग्जिट द फुल स्क्रीन मोड विल बी रिकॉर्डेड एंड द सबमिशन विल बी फ्लैग्ड। वंस यू हैव कंप्लीटेड योर टेस्ट, नो नीड टू टेक द टेस्ट अगेन, योर रिजल्ट हैज़ बीन कैप्चर्ड, ओके। फुल स्क्रीन मोड पे है, कोई भी मतलब ऐसा ना हो कि आप कोई स्क्रीन बदल रहे हो, ऐसा कुछ कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिकॉर्डेड टेस्ट रहेगा। यहाँ पर आप टेक इंग्लिश टेस्ट पर क्लिक कर सकते हो, ओके गाइस। तो यहाँ पर देखिए टैलेंट असेसमेंट हमारा खुल रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपको अपना कंफर्म करना है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने अपना दीक्षा शर्मा के नाम से ओपन किया था, तो हम इसे कंप्लीट करके आगे बढ़ते हैं। हमने इसे किया सबमिट, ओके गाइस। अब देखिए यहाँ पर, हेलो दीक्षा, थैंक यू फॉर अप्लाइंग एंड वेलकम टू आवर असेसमेंट, कंप्लीटिंग इट विल गिव यू अ चांस टू शो ऑफ योर स्किल्स एंड स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड, गुड लक, ओके। और देखिए ये एक फर्स्ट, मतलब ये एक ऐसी जॉब है जो मैंने अपने चैनल में फर्स्ट टाइम पोस्ट करी है, क्योंकि इस जॉब के रिव्यूज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अ फ्यू थिंग्स बिफोर यू स्टार्ट, दिस असेसमेंट कंसिस्ट ऑफ 1 टेस्ट एंड 4 इंडिविजुअल कस्टम क्वेश्चंस, इट विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 25 मिनट्स टू कम्प्लीट, टोटल 25 मिनट्स लगने वाले हैं, 1 टेस्ट है, 4 इंडिविजुअल कस्टम क्वेश्चंस होने वाले हैं, ओके। उसके बाद है द असेसमेंट इज टाइम्ड, अ टाइमर इज शोन एज पर दी क्वेश्चन, यानी कि टाइमर लगा होगा बिफोर ईच टेस्ट, देयर मे बी अ प्रीव्यू क्वेश्चन, बी अवेयर टाइमर फॉर द टेस्ट विल हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, ओके। प्लीज अलाउ द यूज ऑफ योर कैमरा वेबकैम एंड डू नॉट लीव फुल स्क्रीन मोड, स्नैपशॉट विल बी टेकन ऑफ योर पीरियडिकली ड्यूरिंग द असेसमेंट, दीज मेजर्स आर टेकन टू इंश्योर फेयरनेस फॉर एवरीवन, टर्न ऑन योर स्पीकर्स और हेडफोन टू प्ले ऑडियो, यू आर फ्री टू यूज कैलकुलेटर पेन एंड पेपर, वी रिकमेंड लाइक कंप्लीटिंग द असेसमेंट इन 1 go, ओके गाइज। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस पर हम इसे स्टार्ट करते हैं। गेट स्टार्टेड पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, आपको जैसे इंटरफेस में आओगे, यहाँ पर लिखना है असेसमेंट सेटअप, टू मेक श्योर दैट एवरीवन इज फेयरली ट्रीटेड वी माइट नीड टू एडजस्ट योर असेसमेंट सेटअप, यू कैन हेल्प अस बाय आंसरिंग द फॉलोइंग क्वेश्चन, आर यू फ्लुएंट इन इंग्लिश, आपको यहाँ पर फ्लुएंट करना है बिकॉज इंग्लिश में ही आपका टेस्ट होगा, पर्सन विद डिसेबिलिटीज और कंडीशन दैट अफेक्ट मेमोरी और कंसेंट्रेशन एबिलिटी सच एज ADHD, ओके, ये सारी चीज़ें हैं, डू यू रिक्वायर एडिशनल सपोर्ट टू कम्प्लीट द ऑनलाइन असेसमेंट, इफ़ यू डोंट कंसिडर योर कंडीशन टू बी हिंड्रेंस व्हेन टेकिंग अ टेस्ट यू कैन आंसर नो, तो हम यहाँ पर नो करते हैं और इस पर हम कंटिन्यू पर क्लिक कर रहे हैं, ओके गाइज। अब यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको दीक्षा शर्मा लिखना है, तो आप यहाँ पर अपना जो भी आपका नेम है आप यहाँ पर पुट करोगे और इसे लिख दोगे, इसे आप जैसे गेट स्टार्टेड पे करोगे आपको जैसे इंटरफेस में आओगे, अलाउ दिस टाइम पर ये मैंने कर दिया है और आपके पास यहाँ पर देखिए कैमरा ओपन हो रहा है, ओके। तो यहाँ पर जो कैमरा ओपन हो रहा है यहाँ पर आपको ये करना है नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट करा हमने, ओके गाइस। बेसिकली अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये आपका दिस इज द नेक्स्ट टेस्ट, ओके
ओके ये स्टार्ट हो चुका है. फिल इन द ब्लैंक्स है. इफ आई डैश यू वर कमिंग टू टाउन आई वुड हैव थ्रोन अ पार्टी विद ऑल आर फ्रेंड्स. ओके इफ आई डैश यू वर कमिंग इन द टाउन आई वुड हैव थ्रोन अ पार्टी विद आर फ्रेंड्स. सो यहाँ पर आएगा इफ आई वुड हैव नोन यू वर कमिंग टू टाउन आई वुड हैव थ्रोन अ पार्टी विद आर फ्रेंड्स. हम इसे नेक्स्ट करेंगे. उसके बाद है डैश 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 शी इज इन द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द जॉब. शी इज़ कंसिडरिंग विदड्रॉइंग हर एप्लीकेशन. शी अंडरस्टूड दैट शी इज इन द बेस्ट कैंडिडेट बीन अंडरस्टूड अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंड शी इज इन द बेस्ट कैंडिडेट ऑफ द जॉब. शी इज़ कंसिडरिंग विदड्रॉइंग हर. ओके शी अंडरस्टूड दैट शी इज इन द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द जॉब. शी इज़ कंसिडरिंग विदड्रॉइंग हर एप्लीकेशन. ओके यहाँ पर हम नेक्स्ट करेंगे. उसके बाद देखिए ये लिसन करने के लिए बोल रहे हैं. लिसन टू द फॉलोइंग ऑडियो एंड सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट सेंटेंस. ओके What type of party are you planning for your birthday? I want a wig party. Wouldn't that be great? Do you mean everyone wears a wig at the party? That's right. I've always wanted to do that. We can be someone else for one night. Love that. Okay. So Mario is not planning birthday party. Nahi, ye to nahi aayega. Mario friend is planning surprise party. Nahi, Mario is planning a big party. Mario wants everyone to wear wig at his party. So this is the correct answer as I suppose, right? इसे हम next करते हैं. उसके बाद है read the text and answer the question. Okay. Becoming fit and staying healthy after 50 is a goal that can be accomplished if you are disciplined and remain motivated. Experts recommend adding strength and resistance training to your routine along with a clean diet that can boost your immune system and slow down the aging process. You can build resilience into your system and optimize the second half of the life. True or false? तो यहाँ पर आप देखिए क्या है. बिकमिंग फिट एंड स्टेइंग हेल्दी आफ्टर 50 इज अ गोल दैट कैन बी अकॉम्प्लिश्ड इफ यू आर डिसिप्लिन्ड इनर रिमेन मोटिवेटेड. मतलब ऑब्वियसली लाइक अगर आप मोटिवेट रहोगे तो ये है यू कैन गेट स्ट्रॉन्ग एज योर एज विदाउट मोडिफाइंग योर ईटिंग हैबिट्स. ओके यू कैन गेट स्ट्रॉन्ग एज योर एज यू एज विदाउट मोडिफाइंग योर ईटिंग हैबिट्स. तो ये तो फॉल्स है राइट. हम नहीं हो सकते स्ट्रॉन्ग ऐसे. ओके गाइज तो इसी टाइप का टेस्ट आपका रहने वाला है. आप देखिए सेकेंड है आपका टेस्ट इंग्लिश B2 अपर इंटरमीडिएट. तो यहाँ पर आपका बेसिकली दोबारा से टेस्ट स्टार्ट होगा. ओके यहाँ पर आपको ये सब कुछ भरना होगा. वेन द एंड ऑफ द ईयर कम्स मार्था डैश 8 मैराथन टोटल जस्ट दिस ईयर शी इज सो स्ट्रॉन्ग. ओके इस टाइप का ये टेस्ट होने वाला है. 20 क्वेश्चन आपके आने वाले. टाइमर होगा. इस टाइप से गाइज आप क्वेश्चन करेंगे. सो गाइज आपका जो टेस्ट है वो इसी टाइप का रहेगा जैसा कि आपने देखा. इंग्लिश ग्रामर का यहाँ पर यूटिलाइज होने वाला है. अगर आपको लगता है कि आपको इसमें आप कोई भी इश्यू फेस कर रहे हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. मेरा मोटिव ये था कि मैं आपको कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करूँ कि किस टाइप का टेस्ट आएगा जो मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है. फिर भी अगर आपके डाउट्स रहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं गाइज. ओके गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो एंड आप सभी लोग अपना ध्यान रखें.